इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिनका नाम किताबों में दर्ज है। हम और आप सिर्फ उन्हीं युद्धों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो किताबों में भले ही दर्ज हो गए हों, लेकिन उनके बारे में आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। इन्हीं युद्धों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, सारागढ़ी। सारागढ़ी युद्ध भी एक ऐसे ही युद्ध का नाम है। इसमें 21 सिख सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों के अनुसार अफगान के 10,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आप सभी ने हॉलीवुड की 300 वॉरियर के ऊपर बनी हुई एक फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन वो एक फिल्म थी और यह घटना उस फिल्म से भी ज्यादा साहसिक है। इस युद्ध में 21 सिख योद्धाओं ने अपना हुनर दिखाया था। तो चलिए इस वीडियो में इस युद्ध के बारे में आपको कुछ बताते हैं। यह घटना है 1897 के दौर की। ब्रिटिश सेना का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिश भारत से बाहर के इलाकों पर भी अपना राज्य करने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने कुछ हमलों को भी शुरू कर दिया था। भारत अफगान सीमा पर उस समय दो किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। वह दोनों सीमा रेखा के छोरों पर स्थित थे। लॉकहार्ट का किला ब्रिटिश सेना के लिए था, जबकि गुलिस्तान का किला ब्रिटिश सेना के संचार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यह किला सारागढ़ी से बिल्कुल सटा हुआ था, इस लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से 21 सिख योद्धाओं को तैनात किया गया था। इन योद्धाओं की संख्या जरूर कम थी, लेकिन इनके साहस के ऊपर अंग्रेज सरकार भी पूरा भरोसा करती थी। चूंकि ब्रिटिश सरकार लगातार अफगान पर हमला करते थे, इसलिए अफगानी उनसे नाराज रहते थे। दोनों के बीच मनमुटाव होता रहता था। दोनों पक्षों के अंदर एक आग जल रही थी। एक तरफ ब्रिटिश को हार पसंद नहीं थी, तो दूसरी तरफ अफगान बदला लेने के लिए भारत में आने की सोच रहे थे। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। एक तरह से कहा जाए तो सारागढ़ी के वह किले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की जान थे, जिस पर अफगानी अपना कब्जा करना चाहते थे। हालांकि यह उनके लिए आसान नहीं था। 12 सितंबर 1897 का समय था। सभी सिख सैनिक सोए हुए थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी आंख खुली तो नजारा चौंकाने वाला था। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 21 सिख सैनिकों को उन्हें रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त यह सोचने का समय नहीं था कि अफगानी रातों रात उन तक कैसे पहुंच गए। उन्हें तुरंत मोर्चा संभालने की जरूरत थी। वह फौरन अपनी बंदूकों की ओर लपके। उनके पास बंदूकें तो थी, लेकिन वह इतनी मात्रा में नहीं थी कि वह ज्यादा देर तक दुश्मनों का सामना कर पाते। स्थिति की नजाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत अंग्रेजी सेना को संपर्क करना उचित समझा। लॉकहार्ट के किले पर अंग्रेजी अफसर बैठे हुए थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजते हुए बताया कि बड़ी संख्या में अफगानियों ने चढ़ाई कर दी है, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। लेकिन अंग्रेजी अफसर का जवाब सिखों के सोचे हुए जवाब से बिल्कुल अलग था। अफसर ने कहा कि इतने कम समय में सेना नहीं भेजी जा सकती, अब उन्हें ही मोर्चा संभालना होगा। सिखों के लिए यह करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। यह 21 सूरवीर चाहते तो वहां का मोर्चा छोड़कर वापिस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दुश्मन के सामना करना उचित समझा। वाहे गुरु जी का नाम लेकर वह अपनी अपनी जगह पर मजबूती से तैनात हो गए। अफगानी निरंतर आगे बढ़ रहे थे। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के बाहरी हिस्से में खड़े हो गए थे। सन्नाटा हर जगह पसर चुका था। सिर्फ बढ़ते हुए अफगानियों के घोड़े की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में एक गोली की आवाज के साथ जंग शुरू हो गई थी। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। वह इस तरह सिखों को हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने एकजुट होकर सिखों पर हमला बोल दिया, लेकिन सिखों ने अपना हौसला नहीं गवाया। वह लगातार अफगानियों से लोहा लेते रहे। अफगानी सैनिकों की एक टुकड़ी ने किले के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हो सके। अफगानी सैनिक बुरी तरह खिसी आ गए थे। उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था और वह इसमें सफल रहे। किले की दीवार टूट चुकी थी। अफगानी सैनिक तेजी से किले के अंदर घुसते जा रहे थे। अफगानियों के किले में आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो गई।
अफगानियों से लड़ना आसान नहीं था क्योंकि वह बहुत ज्यादा संख्या में थे। इन सबके बावजूद भी सिख सैनिक लड़ते रहे। धीरे धीरे अफगान उन पर भारी पड़ने लगे थे। कई सिख सैनिकों को बहुत गहरी चोट लगी थी। उन 21 सिख सैनिकों में कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह सिपाही भी नहीं थे। उनमें से कुछ रसोइये तो कुछ सिग्नल मैन थे, लेकिन वह सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे थे। सिखों का मनोबल टूटने लगा था। किसी और से आई जो बोले सोनिहाल की आवाज ने उनमें जोश भर दिया था। उन्होंने अफगानियों को अपनी तलवारों से मारना शुरू कर दिया। वह सब बाद में एक धुन में बोले जो बोले सोनिहाल। इस नारे के साथ वह एकदम आगे बढ़ते चले गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारने लगे। कहते हैं दूर खड़े अंग्रेज अफसरों ने भी सिखों के यह चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह अफसर भी यह जानते थे कि यह आवाजें थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी, और आखिर वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। वह सभी बहादुर सिख योद्धा इस युद्ध में मारे गए। उन सभी को शहादत प्राप्त हुई, लेकिन मरने से पहले वह लगभग 600 अफगानियों को मार चुके थे। उन्होंने 3 घंटे तक उन सभी को रोके रखा ताकि उनकी सेना आ सके। इसके बाद अंग्रेजी सेना आई और अफगानियों को वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। उन 21 सैनिकों ने वह वीरता दिखाई। उनके हौसलों में बहुत दम था। उन 21 सिख सैनिकों ने दिखा दिया था कि हौसले में दम हो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। सारागढ़ी का यह युद्ध बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। यहां लोग अपने वतन पर हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर देते हैं। यह इतिहास में दर्ज बढ़िया युद्धों में से एक माना जाता है। यूं तो इस युद्ध का जिक्र भले कोई नहीं करता, लेकिन यह खबर भी सुकून देने वाली है कि इस युद्ध पर एक बॉलीवुड की फिल्म बन रही है। अब हमें इस फिल्म के द्वारा उन जाबाज सैनिकों के जीवन की कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी, और हमें पता चलेगा कि आखिर उस समय उन 21 जाबाज सैनिकों ने कैसे उन अफगानियों के छक्के छुड़ाए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।